चलो क्वेश्चन नंबर टू दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो व्हाट्सएप पर मैंने भेजा है। वृषिक त्रिवेदी, एक सेकेंड ना, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं अब तक एक्सप्लेन कर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। हमें बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2012 का। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले दिया है गुडविल। गुडविल कभी भी एसेट साइड दिया है तो लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल इज अ लॉस। क्या करूं, चैट के थ्रू मुझे बताओ। गुडविल ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी इज अ लॉस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में हम क्या करेंगे इसे? वेरी गुड। इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम इसे राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया होगा राइट ऑफ करने के लिए तो करना ही है, नहीं दिया होगा तो भी राइट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इनटैंजिबल असेट्स, बिल्डिंग टैंजिबल असेट्स, प्लांट टैंजिबल असेट्स, फर्नीचर टैंजिबल असेट्स, करंट असेट्स में स्टॉक, इन्वेंटरीज, सन्ड्री डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटेन ऑफ, जिसमें डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अमाउंट इज 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। ये दोनों राइट ऑफ करेंगे, ये दोनों राइट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, on the liability side, share capital, in that 6,008% preference share of 100 each, share capital का part है। Next, 50,000 equity share of 10 each, ये भी share capital का part है। Reserves and surplus में capital reserve दिया है 50,000 का। Secured loan में 5% debenture, this is my long term borrowing, LTB, long term borrowing। Next, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल। नेक्स्ट, फिर आगे दिया है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 ईयर, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स। आप मुझे बताओ अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब क्या? मैंने क्या आपको किसी भी एग्जाम्पल में अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कभी एक्सप्लेन किया है? क्या होता है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? वेरी गुड, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज माई अर्चना, नॉट लाइबिलिटी बेटा, इट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, इट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, contingent liability. If paid loss, हाँ बराबर अर्चना, ऊपर बोला contingent, सिर्फ contingent, okay. So if paid, it is my loss, waived off, no profit, no loss. Contingent liability. If paid loss, waived off, no profit, no loss, no entry. अब आप मुझे बताओ कितने साल से अरियर्स में है? तो यहां पर दिया है 3 साल। तो एक काम करो, बैलेंस शीट देखो ऊपर, आपको शेयर कैपिटल अमाउंट दिख रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट 6 लाख है, उसमें रेट ऑफ डिविडेंड 8% दिखाई दे रहा है, 8%। चलो सब लोग कैलसी भी ले लो,
कैलसी 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 चलो 6 लाख पर 8% अप्लाई करो। $6,48,000 ये एक साल का हुआ। ऐसे कितने साल से अरियर्स में है? 3 साल से। तो 48,000 × 3 1,44,000। तो आपके पास जो बुक होगा ना, उसमें 3-4 साइड थ्योरी का छोड़ने के बाद 3-4 साइड हाँ साइड्स आजू बाजू ऐसे 4 साइड लिखो। क्वेश्चन नंबर टू arrears of preference dividend इस arrears of preference dividend में ब्रैकेट में लिख दो contingent liability ब्रैकेट क्लोज ₹1,44,000 के बाजू में ब्रैकेट में लिखना $6,00,000 × 8% × 3 years आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन में दिया है The following scheme of reconstruction was prepared and fully approved by the court. कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो प्लानिंग बनाया है उसका उन्होंने कोर्ट से अप्रूवल भी ले लिया है। फर्स्ट, प्रेफरेंशियर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंशियर ऑफ ₹50 ईच। प्रेफरेंशियर को कन्वर्ट करना है। देखो बैलेंस शीट में ऊपर एक प्रेफरेंशियर, ध्यान से देखो, ₹100 का था, अब प्रेफरेंशियर ₹50 का हो जाएगा। पुराने प्रेफरेंशियर का परसेंट था 8%, नए प्रेफरेंशियर का परसेंट है 9%। तो पुराना लेकर नया देंगे, पुराना लेकर नया शेयर्स देंगे। पुराना प्रेफरेंशियर 8% था तो मैं एंट्री करूंगा 8% प्रेफरेंशियर कैपिटल डेबिट 100 to 9% प्रेफरेंशियर 50 to कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50। रिपीट कर रहा हूं एंट्री, पुराना प्रेफरेंशियर ₹100 का था, 8% प्रेफरेंशियर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 to 9% प्रेफरेंशियर 50 to कैपिटल रिडक्शन 50। समझा? किसी को डाउट है तो पूछो। एक काम करते हैं, साथ ही साथ जर्नल एंट्री भी करते जाते हैं। हाँ मैं एक काम करता हूँ, जर्नल वो अपने जो अरियर्स ऑफ डिविडेंड लिखा ना उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़कर जर्नल ड्रॉ करो। मैं एक्सप्लेन करूंगा और बोर्ड पर जर्नल एंट्री लिखता जाऊंगा।
चलो बोर्ड पीछे देखो, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? जर्नल एंट्री, कोई भी समूह, पहला एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, चलो आप मुझे बताओ आपके बैलेंस शीट में कौन सा लॉस था, आपके बैलेंस शीट में कौन सा लॉस था, देखकर बैलेंस शीट में बताओ कौन कौन सा लॉस है, गुडविल है, गुडविल है, वेरी गुड हरनीत, अरे उसके अलावा गुडविल के अलावा, गुडविल के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, इन तीनों को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करना है तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है 60,000, डिस्काउंट का अमाउंट है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 5,00,000, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 5,00,000। करो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू पीएनएल अकाउंट, टोटल इसका 5,90,000। इस टॉपिक में हम जर्नल एंट्री का नंबर क्वेश्चन के हिसाब से देंगे, किसी क्वेश्चन में एक एक पॉइंट का चार चार एंट्री होता है, किसी क्वेश्चन में एक एक पॉइंट का एक भी एंट्री नहीं होगा, तो क्वेश्चन में जो जर्नल एंट्री है, जो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर दिया होगा हम वही जर्नल एंट्री नंबर भी दे देंगे। ये एंट्री लिखा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ आप लोग इतना करना, आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल शेयर किया है ना वो अपने पापा या मम्मी के मोबाइल में ट्रांसफर कर लेना, सो दैट आपके हाथ में क्वेश्चन हमेशा रहे। फिलहाल मैं बार बार स्क्रीन शेयर दे रहा हूँ, बट फिर उसमें क्या समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके हाथ में क्वेश्चन रहेगा ना दूसरे हाथ में मोबाइल में, तो आप फटाफट क्वेश्चन देखते रहोगे। अब देखो क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर वन कहता है द प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पुराना प्रेफरेंस शेयर 8% वाला है उसे डेबिट कर देंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुराना वाला 100 का है, देख लो बाद में लिखना, पुराना वाला 100 का है टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नया वाला 50 का है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹50। 8% प्रेफरेंस शेयर 100 टू 9% प्रेफरेंस शेयर 50 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50, 9% वाला ₹50 का है तो प्रॉफिट हुआ ₹50 का। इज इट क्लियर, ये कैसे किया समझा। अब इसमें अमाउंट देखो, पुराने वाले प्रेफरेंस का अमाउंट था 6,00,000, बैलेंस शीट अगर आपको याद हो ना तो 6,00,000 था। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब शेयर का वैल्यू ₹100 था तो टोटल था 6,00,000,
तो अब शेयर 50 रुपए का होगा तो वैल्यू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया बताओ मुझे चैट के थ्रू। बताओ 3 लाख प्रांजल ने बताया। कैसे आया तो 6 लाख इंटू 50 अपॉन 100 तो 3 लाख। तो अपने लिए प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 3 लाख। कॉपी कर लो। दीपा पुराना शेयर देखो बैलेंस शीट में बेटा 100 रुपए का था और कंपनी ने एक्सचेंज करके नया शेयर 50 वाला दिया, तो 100 के बदले 50 का शेयर दिया, मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। और लास्ट टाइम याद करो मैंने बोला था जब शेयर होल्डर सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ भी ना बोला हो तो हम अजम्पशन करेंगे कि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों कम हो गया। तो पुराना शेयर 100 रुपए का डेबिट किया टू नया शेयर 50 रुपए, तो प्रॉफिट भी 50 रुपए। दीपा क्लियर है? ओके अर्चना बेटा नरेशन होगा बीइंग सैक्रिफाइस मेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं नरेशन डिक्टेट नहीं करूंगा, आपने जो लिखा है उसी को नरेशन फॉर्म में लिख देना है। यहां पर शेयर होल्डर ने सैक्रिफाइस किया, लिख देंगे बीइंग सैक्रिफाइस मेड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नरेशन लिखना, यहां पर टाइम वेस्ट करने की अपने को जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 2 बोलता है द इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस्ड टू ₹3 ईच, हाउएवर फेस वैल्यू विल रिमेन सेम। फेस वैल्यू विल रिमेन सेम। फेस वैल्यू सेम रखने की बात कर रहे हैं, मतलब रिडक्शन सिर्फ पेड अप वैल्यू में होगा। 50,000 शेयर है, पुराना शेयर 10 रुपए का था। देखो 50,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का था, अब ये शेयर पेड अप वैल्यू 10 से 3 हो जाएगा तो कंपनी को 7 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहां पर शेयर एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि फेस वैल्यू विल रिमेन सेम। तो यहां पर एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000 शेयर इंटू 7 रुपीज 50,000 शेयर इंटू 7 रुपीज। यहां पर पुराना प्रेफरेंस देकर नया प्रेफरेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस सब में रिडक्शन सिर्फ पेड अप वैल्यू में हुआ, फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। पेड अप वैल्यू रिड्यूस टू मतलब यहां तक 10 का शेयर 3 रुपए का हो गया, 10 का शेयर 3 रुपए का हो गया तो 7 रुपए का प्रॉफिट। आगे बढ़े बच्चा लोग। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, 5% डिबेंचर शैल बी कन्वर्टेड इंटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 75 ईच. 5% डिबेंचर को भी कन्वर्ट करना है इंटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर. बट अब एक डिबेंचर 75 का हो जाएगा. देखो पहले डिबेंचर 100 रुपए का था, अब डिबेंचर 75 का हो जाएगा. तो कंपनी पुराना डिबेंचर लेकर नया डिबेंचर्स देगी, पुराना डिबेंचर लेकर नया डिबेंचर्स देगी. एंट्री फाइव परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पुराना वाला 100 का था, टू 5% डिबेंचर अकाउंट, नया वाला 75 का है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25. 5% डिबेंचर 100, टू 5% नया वाला डिबेंचर 75, टू कैपिटल रिडक्शन 25. बच्चा पुराना डिबेंचर 3 लाख रुपए का था, तो नया वाला कितने का होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे. चलो बताओ नया वाला डिबेंचर कितने का होगा? हरनीत बेटा कितना होगा? वेरी गुड, 2,25,000. तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 75,000 का, प्रॉफिट हो जाएगा 75,000 का, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75,000. प्रॉफिट ऑफ रुपीज 75,000. नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर. हाँ बोलो प्रांजल बेटा. सर 5% डिबेंचर, उसने 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 75 में दिया है, तो हम लोग 5% डिबेंचर. नया वाला 6% है क्या? माय मिस्टेक, नया वाला 6% है बच्चा लोग, तो 6% आएगा, मैंने नहीं देखा. माय मिस्टेक, इट वॉज 6% बच्चा. आगे का भी पढ़ेंगे ना अर्चना बेटा, अभी मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यहां तक पढ़ा. ठीक है, अब आगे देता. डिबेंचर ऑल्सो एग्रीड टू वेव, डिबेंचर ऑल्सो एग्रीड टू वेव 50% ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट. वेव मतलब माफ करना. डिबेंचर होल्डर का देखो बैलेंस शीट में कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था क्या? तो डिबेंचर का इंटरेस्ट 50,000 आउटस्टैंडिंग है, अब वो माफ कर रहे हैं उसका 50%, तो 50,000 का 50% माफ कर दिया, हमारे लिए प्रॉफिट, हमारे लिए प्रॉफिट. डिबेंचर इंटरेस्ट इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गया, प्रॉफिट. एंट्री लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन, तो यहां पर लायबिलिटी का नाम है डिबेंचर इंटरेस्ट, तो इसका एंट्री होगा डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000. तो
पॉइंट नंबर थ्री में दो एंट्री है तो इसको मैं ए और नेक्स्ट बी ऐसा दूसरा एंट्री बता रहा हूँ। थर्ड में दो एंट्री ए एंड बी, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000 डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 25,000। कैसे आया 25,000 रुपए? तो 50,000 का 50%, 50,000 का 50%। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर बोलता है प्रेफरेंस डिविडेंड आर टू बी रिड्यूस्ड टू वन ईयर डिविडेंड विच इज पेड इन कैश। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर टू बी रिड्यूस्ड। बच्चा लोग देखो, आपने वर्किंग नोट सबसे पहले किया था, उसमें आपने डिविडेंड कैलकुलेट किया था ना बेटा, तो डिविडेंड 3 साल का था, 1 साल का 48,000 आपने कैलकुलेट किया था, इंटू 3 ईयर किया, टोटल 1,44,000 हुआ, बराबर है। अब ये बोल रहे हैं अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर टू बी रिड्यूस टू वन ईयर डिविडेंड विच इज पेड इन कैश। तो समझो इधर, ये जो 1,44,000 है ये जो 1,44,000 है इसका दो टुकड़ा हो जाएगा, इसमें से 1 साल का 48,000 बैलेंस 96,000, ये 48,000 हम पे करेंगे, तो जितना पे किया उतना लॉस, बैलेंस वेव ऑफ हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इफ पेड लॉस, इफ पेड लॉस वेव्ड ऑफ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आउट ऑफ 144 एक साल का पे कर रहे हैं 48,000, वो मेरे लिए लॉस होगा, बैलेंस 96,000 अब पे करने की जरूरत नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री। तो आप एक काम करो, ये कॉपी करो, जहां पर आपने 144 लिखा था ना, मैंने बोला था 2-3 लाइन छोड़ देना नीचे, 3-4 लाइन, उसको ऐसा डिवाइड कर दो 144 को फटाफट। अब इसका एंट्री करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी मैंने 48 पे किया, जितना पे किया उतना मेरे लिए लॉस, फॉर दैट एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 48,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 48,000। कोई डाउट किसी को?
हरनीत समझा? चैट के थ्रू रिप्लाई करो हरनीत। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट फोर हो गया। फिर पॉइंट नंबर फाइव देखो क्या दिया है। पॉइंट नंबर फाइव कहता है सन्ड्री क्रेडिटर, अरे एक सेकंड, पॉइंट नंबर फाइव कहता है सन्ड्री क्रेडिटर एग्रीड टू वेव 30% ऑफ देयर क्लेम। सन्ड्री क्रेडिटर एग्री कर रहे हैं कि वो माफ करेंगे, वेव करना मतलब माफ करना, 30% ऑफ क्लेम एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर फॉर रुपीज 30,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर रिन्यूड क्लेम। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला बोलता है क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी का 30% माफ करेंगे। देखो ऊपर बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना है, 180,000 मिला। ये 180,000 का पहले 30% निकालेंगे, 180,000 इसका 30%। इतना इन लोगों ने माफ कर दिया, वो प्रॉफिट है। तो 180 में से 54 माइनस करो, 180 में से 54 माइनस करो, तो आता है 1,26,000। मतलब बचा हुआ लायबिलिटी है 1,26,000। मान लो ना बच्चा लोग, आप लोग क्रेडिटर हो, आप अपने आप को फील करो, आप क्रेडिटर हो। मैं आपको 1,80,000 देने वाला था, मैं आपको 1,80,000 देने वाला था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज थोड़ा सा माफ कर दो, तो आपने बोला चलो ठीक है 30% माफ कर देता हूं। आपने 1,80,000 का 54,000 माफ कर दिया, बच गया 1,26,000। अब मैं आपको टोटल कितना पे करने वाला हूं, 1,26,000 बराबर है। बचा हुआ लायबिलिटी रिन्यूड लायबिलिटी, नया लायबिलिटी 1,26,000 का है। तब इसमें इन्होंने देखो देखो क्या दिया है, आगे दिया है 30% ऑफ क्लेम के बाद एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर। इस टॉपिक में कभी भी एंड वर्ड आएगा, एंड वर्ड तो सेंटेंस जहां से स्टार्ट हुआ है ना वो एड करके पढ़ना चाहिए। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट, सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट इक्विटी शेयर फॉर 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट कर रहे हैं 30,000 का इक्विटी शेयर इन पार्ट सेटलमेंट। पार्ट मतलब पूरा पैसा नहीं दिया, एक पार्ट पेमेंट किया। जैसे तुम लोग का फीस होता है 20,000, तुमने 5,000 पे किया तो क्या बोलोगे, पूरा पे कर दिया या एक पार्ट? एक पार्ट मतलब बचा हुआ 15,000 हम फ्यूचर में आपसे लेंगे। सिमिलर टू दैट यहां पर देखो बोर्ड पर मेरे क्रेडिटर की वैल्यू थी 180, उसमें से 30% 54,000 माफ कर दिया, वो मेरे लिए प्रॉफिट। 30% वेव, वो मेरे लिए प्रॉफिट। बचा है 126, इस 126 का फिलहाल 30,000 पे कर रहे हैं, तो जो बच जाएगा ना 96,000 वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। जो 96,000 बच जाएगा वो अभी भी पे करना बाकी है, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। मतलब एट प्रेजेंट हम दो एंट्री पास करेंगे। पहला एंट्री ये जो प्रॉफिट हुआ, इसका एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। दूसरा 30,000 पे किया
और ये पेमेंट हमने शेयर्स अलॉट करके किया। एंट्री क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं बोर्ड पर एंट्री कर रहा हूं, कुछ डाउट है तो पूछना। पॉइंट नंबर फाइव, इसमें दो एंट्री, पहला माफ किया वो प्रॉफिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 54,000। दूसरा एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। जो क्रेडिटर बच गए वो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। किसी को डाउट है चैट के थ्रू पूछो, अदरवाइज ये दोनों एंट्री लिखो। ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैंने कैश दिया होता रेवती तो कैश जाता, मैंने कैश दिया या इक्विटी शेयर्स दिया। रेवती पेमेंट किस में किया हमने, कैश में या इक्विटी शेयर्स में, हेंस इक्विटी शेयर क्रेडिटेड। पॉइंट नंबर सिक्स बच्चा लोग बहुत इजी है। पॉइंट नंबर सिक्स, सिक्स और सेवन कंप्लीट करेंगे, बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में बनाना सीखेंगे। तब तक आप लोग बैलेंस शीट एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो बोला है द असेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर, असेट्स का ना बच्चा लोग रीवैल्यूड फिगर दिया है। तो आप ना एक काम करो, ऊपर वाले बैलेंस शीट के अमाउंट से इसे कंपेयर करना है और पता करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस। बिल्डिंग देखो ऊपर कितने का था, ये देखो इधर बिल्डिंग 3 लाख का था, अब बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 3,50,000। चैट के थ्रू मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख से बढ़कर 3,50,000 हो गया। अर्चना सोचकर बोलो असेट्स है, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ये प्रॉफिट हो गया 50,000 का, ये एक प्रॉफिट हो गया। फिर देखो प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर बच्चा लोग 3 लाख का है और इधर देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2.5 लाख है, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, ये मेरे लिए लॉस है। फिर देखो बच्चा लोग फर्नीचर इधर 80,000 है जबकि यहां पर बैलेंस शीट में फर्नीचर है 1 लाख का, तो फर्नीचर में भी लॉस हुआ 20,000 का। फिर देखो बच्चा स्टॉक यहां पर है 1 लाख का, ऊपर देखो स्टॉक है 1,50,000 का, तो असेट्स की वैल्यू कम हो गई, ये भी लॉस।
और सन्ड्री डेटर इधर देखो 70,000 का है, जबकि डेटर पहले था 75,000 का, तो इसमें भी लॉस हुआ। मतलब बिल्डिंग में प्रॉफिट है, बाकी सब में लॉस है, बिल्डिंग में प्रॉफिट है, बाकी सब में लॉस है। तो बिल्डिंग में प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ तो आप बोलो कैपिटल डिडक्शन को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट। बस बेटा 10 मिनट, क्रेडिट, कैपिटल डिडक्शन को क्रेडिट करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे, बराबर है ना। असेट्स डेबिट होगा और असेट्स का नाम था लैंड एंड बिल्डिंग। तो चलो एंट्री लिखो, पॉइंट नंबर सिक्स, उसमें ए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000। इसके बाद बच्चा लोग सारे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो सारे असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। राइट डाउन बी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 से कम हुई, तो प्लांट एंड मशीनरी के सामने 50,000। टू फर्नीचर 20,000, टू स्टॉक 50,000, टू डेटर्स 5,000। इसका टोटल 50,000 प्लस 20,000 70,000 प्लस 50,000 120,000 प्लस 5 125,000 होगा। देख लो टोटल 1,25,000। पॉइंट नंबर सिक्स का दो एंट्री किया, किसी को भी डाउट? न्यू वैल्यू नहीं बेटा, जितने से हरनीत वैल्यू कम हुआ ना वो लिखना होता है। प्लांट एंड मशीनरी, हरनीत अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। पहले कितने का था प्लांट मशीनरी देखो बैलेंस शीट में, 3,00,000। अब कितने का हो गया? 2,50,000 से कम हुआ, 50,000। तो 50,000 लिखेंगे जितने से एसेट्स की वैल्यू कम। फर्नीचर पहले कितना था? 1,00,000। अब कितना हो गया? 80,000। तो 20,000 का लॉस, तो 20,000 लिखेंगे। गॉट इट। स्टॉक पहले 1,50,000 का था, अब 1,00,000 का हो गया, 50,000 का लॉस। और डेटर 75 का था, 70 हो गया, 5 का लॉस। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इनटैंजिबल एसेट्स and fictitious assets are to be written off. Intangible assets and fictitious assets are to be written off. देखो बच्चा लोग, अगर fictitious assets नहीं बोला होता तो भी write off करते, fictitious assets नहीं बोला होता तो भी write off करते, लेकिन यहाँ पर intangible assets अलग से write off करने को बोला है। तो आपके question में balance sheet में देखो patent and trademark है, वो intangible assets है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इनटैंजिबल असेट्स है, उससे आप राइट ऑफ करेंगे। तो इसकी एंट्री पेटेंट मेरा असेट्स है, असेट्स राइट ऑफ होगा तो मेरे लिए लॉस। एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क।
amount 40,000. Amount 40,000. Quoi doubt? अब इसके बाद आपको पूछा है प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैंने जो आपको कल का शेड्यूल दिया था वो फॉलो नहीं हो पाएगा, तो कल आपका लेक्चर नहीं होगा,